हर बम बम ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों को पावन श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई हो। भक्तों, वेद पुराणों के अनुसार श्रावण मास भगवान भोले शंकर को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि इस माह में शिव भक्त कांवड़िए गंगोत्री गोमुख हरिद्वार आते हैं तथा पवित्र गंगा जल कांवड़ में भरकर भोलेनाथ को अर्पित करती है। इस माह में शिव मंदिरों की शोभा देखने वाली होती है भक्तों। तो आइए आज मैं आपको पावन पवित्र कांवड़ गाथा संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूँ। तो एक बार बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। आओ भक्तों, शिव की गाथा सुनाओ। आओ भक्तों, शिव की गाथा सुनाओ। सावन में क्यों कांवड़ लाते, सावन में क्यों कांवड़ लाते, भक्तों तुम्हें बताऊं। आओ भक्तों, शिव की गाथा सुनाओ। गाथा रावण और उसकी शिव भक्ति से संबंधित है भक्तों। तो भगवान शिव का सुमिरन करते हुए आइए सुनते हैं पावन पवित्र रावण गाथा। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके मन में परम इच्छा थी कि वो भगवान शिव को सदा सदा के लिए लंका में ले जाए। इस हेतु उसने भगवान शिव की घनघोर तपस्या की और यहाँ तक कि उसने एक एक कर अपने 9 शीश भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए थे। इस पर भगवान शिव प्रकट हुए और रावण ने उन्हें वरदान स्वरूप सदा सदा के लिए लंका में बसने का अनुरोध किया और प्रभु ने ये स्वीकार भी कर लिया। आगे क्या होता है आइए सुनते हैं। बोला रावण शंभु स्वामी, आप दानियों के दानी, मेरी भक्ति को मान दीजिए, भोले ये वरदान दीजिए, मेरे संग लंका को चलिए और सदा को वहाँ पे रहिए, जीवन भर दर्शन करूँगा, कृपा से झोली में भरूँगा। शिव जी फिर वरदान तदीन है, शिव जी फिर वरदान तदीन है, तुम्हारे संग में जाऊँ। आओ भक्तों, गाथा शिव की सुनाओ। आओ भक्तों, शिव की गाथा सुनाओ। शिव जी ने अपना स्वरूप पावन शिवलिंग का बना लिया भक्तों और स्वयं साक्षात उसमें समा गए। परंतु उन्होंने रावण को इस हेतु एक शर्त भी बताई कि यहाँ कैलाश से तेरी लंका तक यह शिवलिंग तेरे कांधों पर ही रहेगा और इसे लंका में ही भूमि पर रखना ताकि ये वहीं स्थापित हो सके। ध्यान रहे रावण, यदि यह शिवलिंग मार्ग में बीच में कहीं भी रखा गया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और तू इसे लंका नहीं ले जा पाएगा। भक्तों, रावण ने ये शर्त सहज स्वीकार कर ली और शिवलिंग को अपने कांधे पर धर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। इधर देवी देवता चिंतित हो गए और भगवान श्री हरि विष्णु के पास आए और बोले, हे भगवन, यदि भगवान शिव लंका चले गए तो सृष्टि का अनर्थ हो जाएगा, कुछ कीजिए श्री नारायण, कुछ कीजिए।
रावण मन ही मन हर्षाए, शिवलिंग को लेकर के जाए, विष्णु बालक रूप बनाए, फिर अपनी माया फैलाए। लघु शंका रावण को आई, माया अपना खेल रचाए, उस पर तो दबाव था पड़ता, रावण करता तो क्या करता। रावण भूमि उतर के सोचे हो, रावण भूमि उतर के सोचे, जाऊं तो कहां जाऊं, आओ भक्तों गाथा शिव की सुनाओ। आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाओ। शिवलिंग कांधे पर उठाए रावण, लघु शंका के दबाव से भारी परेशानी झेल रहा था भक्त। सोच रहा था जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या, कि तभी बालक बने श्री हरि विष्णु उनके सम्मुख आ गए। रावण ने बालक का नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बैजू बताया। रावण ने बालक से आग्रह किया कि वो थोड़ी देर के लिए ये शिवलिंग अपने हाथों में धारण कर ले। वो लघु शंका से निवृत्त होकर स्नान करके शीघ्र ही वापस आएगा, परंतु यह आश्वासन भी लिया कि जब तक वो वापस ना आए, शिवलिंग को वो बालक भूमि पर न रखते। श्री हरि भक्तों यही तो चाहते थे, रावण के जाते ही उन्होंने क्या माया रचाई, आइए ये पावन कथा सुनते हैं। रावण लघु शंका को जाए, बालक को शिवलिंग पकड़ाए, निवृत्त हो करके मैं आऊं, शिवलिंग को वापस ले जाऊं, विष्णु हरि ने खेल रचाया, शिवलिंग को भूमि धरवाया, शिवलिंग वहीं स्थापित कीना, खुद को अंतर ध्यान थकीना। रावण भूमि शिवलिंग देखा, रावण भूमि शिवलिंग देखा, सोचा मैं मर जाऊं, आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाओ। आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाओ। रावण जब लघु शंका से निवृत्त होकर स्नान करके वापस आता है तो क्या देखता है कि वो बालक अंतर्धान हो चुका है और शिवलिंग भूमि पर स्थापित हो गया है। उसके प्राण उसके कंठ में आ गए। भक्तों विक्षिप्तों की तरह शिवलिंग को उठाने का प्रयास कर रहा है, परंतु भगवान शिव की शर्त अनुसार शिवलिंग वहीं स्थापित हो चुका था। भक्त उसके मन में एक उपाय आया, वो कांवड़ में जल भर भर कर लाता और शिव जी को स्नान कराता। स्नान कराते कराते भगवान शिव के स्त्रोत आरती चालीसा और मंत्र का जाप करता रहता, सोचता भगवान शिव एक बार फिर प्रसन्न हो जाएंगे और उसके संग लंका को चले जाएंगे। परंतु शिव की लीला तो भगवान शिव ही जाने। भगवान शिव ने दर्शन दिए और रावण को समझाया कि हे रावण, अब ये शिवलिंग कहीं नहीं जाएगा, यहीं स्थापित हो जाएगा, चिरकाल तक मेरे भक्त कांवड़ ला ला कर इस शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और पुण्य फल प्राप्त करेंगे। आज से इस पावन स्थान का नाम बैजनाथ धाम होगा और श्रावण मास में जो कांवड़िए यहाँ पवित्र कांवड़ में गंगा जल भर मुझे अर्पित करेंगे, जीवन पर्यंत मेरी कृपा उन कांवड़ियों को प्राप्त होती रहेगी। रावण कांवर भर भर लाए, शिवलिंग को नहलाता जाए, शिव के स्रोत मंत्र को गाए, शिव के नाम की अलक जगाए, शिव जी ने दर्शन दिखलाया, रावण को था फिर समझाया, शिवलिंग अब ना जा पाएगा, मेरा धाम ये कहलाएगा। आज से बैजनाथ मैं इसका, आज से बैजनाथ मैं इसका पावन नाम धराऊं, आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाऊं। आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाऊं।
तब से भक्तों शिव भक्त कांवड़िए श्रावण मास में पवित्र कांवड़ में गंगा जल भर भर कर लाते हैं और पवित्र शिवलिंग को नहलाते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत, चंदन, दूध, दही और घृत से शिवलिंग का अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की परम कृपा को प्राप्त करते हैं। तो आप भी यदि भगवान शिव के कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में एक बार कांवड़ भरकर अवश्य लाइएगा और शिवलिंग को गंगा स्नान करवाइएगा। आप सभी को भगवान शंकर की अनुपम कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो एक बार फिर बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मेरे साथ बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। शिव की कृपा पाना चाहो कांवड़ एक बार लाओ, गंगा जल से फिर नहलाओ, बेल धतूरा भांग चढ़ाओ, दूध दही और पुष्प चढ़ाओ, घी से लेपन भी करवाओ, शहद से अभिषेक करवाओ, भक्तों चंदन तिलक लगाओ। शिव के चरणों में मैं भक्तों, शिव के चरणों में मैं भक्तों बारी बारी जाऊं। आओ भक्तों गाथा शिव की सुनाओ, आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाओ।
राजकुमारी सुंदर लेकिन दूल्हा आँख का काना आया। दूल्हे का पिता चिंतित होकर मामा भांजे से बतलाया। पंडित का बेटा सुंदर था उसको ही फिर दूल्हा बनाया। विवाह हुआ संपन्न खुशी से अब देखो ईश्वर की माया। सारी बातें लड़की के पल्लों पे वो लिख जाए। ओम नमः शिवाय जो